देखिए, घर परिवार को जोड़ के रखना ना आसान नहीं होता, क्योंकि घर में दरार डालने वाले, रिश्तों में दरार डालने वाले हजार लोग होते हैं, लेकिन घर को और परिवार वालों को संजोकर रखने वाले बहुत कम होते हैं। पंड्या स्टोर में अब यही खतरा हो रहा है, कहीं अलग तो नहीं हो जाएंगे पंड्या ब्रदर्स। वो क्या है ना कि रिश्ता को लगने लगा है कि उसका होने वाला बच्चा जो है उसके ससुराल में सेफ ही नहीं है, और यही वजह है कि अब वो वापस अपने मायके जाना चाहती है। जिसे जो सोचना सोच, मुझे घर जाना। सब लोगों को समझ में क्यों नहीं आता है, माँ माँ होती है और सास सास होती है। तुमने बोला है ना रिश्ता को स्ट्रेस नहीं दे, आप उससे देने पे क्यों तले हुए हो? रिश्ता एक बार मुझे अपनी बात कहने का मौका। बस भी करो ना भाभी, किसी बात को इतना क्यों बढ़ा रहे हो आप? प्लीज ये रोना धोना बंद करो। रिशिता ने लिया अब तक का सबसे बड़ा फैसला, वो अपने होने वाले बच्चे को अब ससुराल में नहीं बल्कि अपने मायके में जन्म देगी। उसने फैसला लिया है कि वो अब पंड्या परिवार में नहीं बल्कि अपने मायके में जाकर रहेगी। अब जिस तरीके से रिशिता और धरा पर हमला हुआ, रिशिता को लगा कि धरा भाभी उसे छोड़कर भाग गई, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ था। रिशिता की मदद करने के लिए धरा घर से भागी थी ताकि आस पड़ोस वालों को वो बुला सके। घर में चार लोग घुसे, अब धरा के लिए कैसे लड़ेगी? शी सुपर वुमन, बाहर तो जाएगी ना। ना देव का फ़ोन लग रहा है, ना गंभीर का फ़ोन लग रहा है, ना पुलिस को फ़ोन लग रहा है। किसको फ़ोन लगाएगी इतनी रात को? आजू बाजू नेबर्स वाले सबसे पहले होते हैं जो उठ जाते हैं। बस ये मुझे भागता हुआ देखती है, वहीं पे कोलैप्स हो जाती है। इसको लगता है धरा भाभी मुझे गुंडों के बीच में छोड़ के भाग ली। बस तब से इसके दिमाग में वो मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है, पर मैं आती हूँ इवेंचुअली, बचाती हूँ इसको, हॉस्पिटल लेकर जाते हैं हम लोग। तेरी जान तो बच जाती है ना, तेरा बच्चा भी सेफ है, सब कुछ सेफ है। वो नहीं, घबराहट में रिशिता गिर गई, लेकिन देखिए उसे अस्पताल भी तो धरा ही लेकर गई। उसके बावजूद भी रिशिता को गलत फहमी हो गई है कि उसका बच्चा इस घर में महफूज नहीं है। हाँ, हमारा अभी मिसअंडरस्टैंडिंग्स का सीजन चल रहा है ना तो कभी ये मिसअंडरस्टैंड करती है, कभी मैं, अभी इस बार मैंने कर लिया इसको बड़ा वाला मिसअंडरस्टैंड कि ये भाग गई, जबकि ये नहीं, मतलब धरा तो ऐसे कर नहीं सकती। पर ठीक है, रिशिता को ऑलरेडी दिमाग में बहुत भरा हुआ है कि धरा इज़ नॉट हैप्पी विद द किड, ऐसे सोच रही है। उसकी मम्मी ने उसको सारा हाँ फीड किया है कि तभी तो तब सवाब समझ में आया तुझे, मैं क्यों भड़की थी वहाँ पे भांग पी के। इस सासू माँ ने भी रोकने की कोशिश की, धरा ने तो हाथ पैर भी जोड़ लिए, लेकिन जरा रावी को देखिए, वो तो आज कुछ अलग ही बोल बोल रही है। मुझे क्या लगता है होटल है, जब चाहे चेक इन किया, जब चाहे चेकआउट किया। मैंने कल मना किया था ना तेरे माँ बाप को कि तू वहाँ नहीं जाएगी, फिर भी जाएगी, क्या काटेगी मेरी माँ? मैं यहाँ से चली थी, यही मेरे और मेरी बेटी के लिए सही, तो प्लीज इस बार मुझे मत। तो वही देव ने भी रिशिता के फैसले में उसका साथ दिया, यानी कि कुछ लोग हैं जो अलग सोचते हैं, तो कुछ लोग हैं जो रिशिता की तरफ से सोच रही हैं। अब पंड्या परिवार में लोगों की सोच अलग अलग हो गई है। रिशिता उस बेबी की माँ और एक माँ बाप को ना चाहिए डिसीजन लेने का। अगर उसको अपनी माँ के साथ ज्यादा कंफर्टेबल फील होगा तो उसको माँ के पास जाने दो ना। यानी कि अब ऐसा लगता है कि रिशिता को लेकर भाइयों के बीच में भी तनाव होगा। फिलहाल कहानी में नया मोड़ आया है। देवरानी जेठानी ये सब अब अलग होने के मूड में नजर आ रहे हैं। मुंबई से रुजेला फर्नांडिस और नेहा सावंत के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।